ये कोई बैठक नहीं थी, आप लोग किसी मुलाकात को बैठक का नाम दे देते हैं। परसों दिन में दही चूड़ा पर चिराग जी के हम लोग मिले थे और बातचीत के क्रम में पता चला कि हम सब लोग अपने अपने काम से आज ही शाम को दिल्ली जाने वाले हैं। वही हुआ कि भाई दिन का दही चूड़ा तो यहाँ है, लेकिन संक्रांति में दही चूड़ा के बाद रात में खिचड़ी खाता है आदमी, तो चर्चा हुई कि फिर रात में खिचड़ी कहाँ हम लोग खाएंगे। तो एक बन गया कार्यक्रम वहीं बैठे बैठे कि हम लोग रात में चिराग जी के घर पे दिल्ली में जुटेंगे और वहाँ बैठकर खाना खाएंगे। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। दिल्ली में खिचड़ी नहीं ना पकी है सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो आप लोग राजनीतिक अर्थ लगाना चाहते हैं कुछ उस तरह का नहीं है। हम लोग ऐसे ही वहाँ, चूँकि दिन में चर्चा हुई रात में बैठ गए खाना खाया हम लोग। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी अचानक सुबह नीतीश जी के आवास पर गए, घंटों बैठक हुई, बातचीत हुई, क्या लग रहा है कि बिहार में फिर से? देखिए, घबराहट है दोनों तरफ, लालू जी हो या नीतीश जी हो। नीतीश जी अंदर से काफ़ी परेशान है, आरजेडी से उनका रिश्ता बिल्कुल अननेचुरल रिश्ता है, इस कारण से परेशान है। आरजेडी के लोग उनको परेशान रोज करते भी हैं, तो इसलिए नीतीश जी की परेशानी है। और फिर उनके जो समर्थक लोग हैं नीतीश जी के, उनकी ओर से जो फीडबैक नीतीश जी को मिल रहा है वह भी इस संबंध के खिलाफ फीडबैक मिल रहा है। तो नीतीश जी अपनी जगह परेशान है और लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान है, तो दोनों परेशान हैं, इसलिए इस तरह की स्थिति दिख रही है। लेकिन अब इसका क्या है सही में, यह तो वही लोग बता पाए। तो लगने के लिए कहिएगा तो संभावना राजनीति में हमेशा खुली रहती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या करेंगे इसकी जानकारी हमको कैसे हो पाएगी। ईडी के अधिकारी देखिए, ये तो कोई आज का मुकदमा है नहीं, पहले से मुकदमा है, कानून अपनी जगह काम करता है। आप बड़ा से बड़ा पद पर रहिए, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी कीजिएगा तो निश्चित रूप से जांच तो होगी। चलिए, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।